नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से आपको लेक्चर सीरीज़ का जो वीडियो पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा और अपना हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्लियर कर देना चाहता हूं जो आप सभी को पता होना चाहिए। आप कह सकते हैं ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी है। और क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्यों पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को? दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो पढ़ा ही होगा, लेकिन अभी तक आपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा है उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता चला है, आपने उसमें अभी मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करी है जितनी मैथमेटिक्स यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यूज़ होनी चाहिए। सो इस लेक्चर, इस कोर्स वर्क में आपको करना क्या है, इसमें आपको मैथमेटिक्स को ज़्यादातर यूज़ करना है और मैथमेटिक्स के हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर बीएससी एग्जामिनेशंस। मतलब बीएससी के लेवल पर सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो मैं मानता हूँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछा है, वो ये कहते हैं कि उनके फाइनल ईयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ है। सो आपको थोड़ा बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ना है, क्योंकि बेसिक्स, आई विश कि आपको बेसिक्स क्लियर हों और क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्लियर समझ में आएगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है दोस्तों? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम स्मॉल स्केल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझना चाहते हैं, यानी छोटे लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझना चाहते हैं, सो वी नीड अ क्वांटम थ्योरी। एंड आप आगे जब अपनी मास्टर्स लेवल की स्टडी करेंगे तो आपको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि है क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, दिस इज़ नॉन एज क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दिस इज़ नॉट अ क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट्स अ क्लासिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं इसको। दोस्तों, जो आप अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ोगे, ये एक मैक्रोस्कोपिक थ्योरी है, यानी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक थ्योरी, बिकॉज आप अभी स्मॉल स्केल पर नहीं डील करोगे। आप अभी बड़े बड़े जैसे लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, इन सब के साथ डील करोगे, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मैक्रोस्कोपिक थ्योरी चाहिए। अभी हम इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ सिंगल, इलेक्ट्रॉन इज़ अ सिंगल चार्ज, बट पॉइंट चार्ज हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। पॉइंट चार्ज इज़ द बंच ऑफ मिलियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉइंट चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना वर्ड वो गलत है, क्योंकि हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। फाइनमैन डायग्राम्स हम बनाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर हम लेकिन पॉइंट चार्ज बोलेंगे, विच इज़ अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हम यहाँ पर जब भी बोलेंगे लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे जिसका जो डायमीटर है वो एटॉमिक के डायमीटर से ज़्यादा हो, बट रेस्ट ऑफ द सिस्टम, यानी जो आप बाहर वाले सिस्टम हैं उससे बहुत ही कम हो, यानी उसकी थिकनेस बहुत ही ज़ीरो हो। दूसरी बात, जब भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे तो उसका जो डायमीटर है, यानी जो थिकनेस है उस शीट का, उस शीट का जो थिकनेस है वो एटॉमिक के डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द सिस्टम से कम होना चाहिए। और जो तीसरा चीज़, जब हम वॉल्यूम चार्ज करेंगे वो है कन्फिग्रेशन ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ ऑल पॉइंट चार्जेस इन द स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है, और आप बोलेंगे सर कौन सी बुक हम फॉलो करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आपको फॉलो करनी है, जिसके मैं ए टू जेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा भी, वो है जॉन डेविड जैक्सन, जेडी जैक्सन। ये बुक है दोस्तों क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, रेड कलर की बुक, थर्ड एडिशन की बुक आपको लेनी है। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, हम एक वन टू वन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप तक पूरी नॉलेज जाए और अच्छी तरीके से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्योंकि जब तक आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगा, अगर आप आगे एमएससी फिजिक्स में थियोरेटिकल फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं तो। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़। सो नेक्स्ट लेक्चर से ही आप समझिए, अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर से ही आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इस लेक्चर सीरीज़ में। मतलब मेन वीडियो जो है इस लेक्चर सीरीज़ का वो आपको नेक्स्ट से मिलेगा, अभी मेरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप मुझे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर तो आप हैं ही, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप कनेक्ट नहीं हैं तो कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।